हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट सारे मछलियों के अंदर हमें ढेर सारा प्रोटीन मिल जाता है, फिर भी कुछ मछलियां हैं, कुछ फिश है जो महंगे होते हैं, खास करके पॉपलेट फिश जिसे हम पॉम्फ्रेट फिश भी बोलते हैं। ये मोर देन 1000 रुपीज़ होता है। वाई इट्स सो कॉस्टली? बिकॉज इट इज़ सो टेस्टी। ये वाइटिश और शाइनी स्लिम टेस्टी फिश है, सी फिश है, समुंदर के अंदर मिलता है और इसके अंदर एक ही कांटा होता है और इसके कारण बच्चे इसे खाना पसंद करते हैं। इसको आप जिस मसालों के साथ बनाओगे उस मसाले के साथ इसका एक यूनिक टेस्ट पकड़ लेता है। इसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, साथ में अदर यूजफुल विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं और ये लेस मर्क्यूरी लेवल वाला फिश है और इन्हीं कारणों से ये फिश बाकी के फिश के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा डिमांड में है और इसीलिए ये फिश महंगा है। और आज हम इसी पॉपलेट फिश को पकाएंगे और साथ साथ इसके बेनिफिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने ये मार्केट से पॉपलेट फिश लाया था, मार्केट से हमने ये कट करके लाया है। बहुत ही शाइनी वाइटिश और क्लीन फिश होता है, इसको ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आप प्रिकॉशन के लिए इसको सॉल्ट से वॉश कर सकते हो। सॉल्ट इज नेचुरल क्लिनजर का काम करता है तो आप इसको सॉल्ट से वॉश कर सकते हो, एक या दो बार वॉश कर सकते हो। वॉश होने के बाद इसके अंदर जो भी पानी है सारा पानी आपको ड्रेन आउट करना है, निकाल लेना है, जितना मैक्सिमम हो सके आपको पानी निकाल लेना है। इसको ड्राई करना है, आप चाहे तो इसको कपड़े से ड्राई कर सकते हो या टिश्यू पेपर से ड्राई कर सकते हो। ड्राई होने के बाद इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी और मिक्स करके ऑलमोस्ट आधा घंटे के लिए हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। हो सकता है आधे घंटे के बाद इसको पानी छूट सकता है, उस पानी को आपको ड्रेन आउट कर लेना है। ड्रेन आउट होने के बाद इसके ऊपर हम चटनी लगाएंगे। इसको हम बहुत ही सिंपल और लेस मसाले वाला फ्राई बना रहे हैं और डीप फ्राई नहीं है, बहुत ही कम तेल में हम इसको फ्राई बना रहे हैं। और उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सब लोग जानते हैं फिश के अंदर हमें प्रोटीन मिल जाता है, इस पापलेट फिश के अंदर हमें लीन प्रोटीन मिलता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये जो पापलेट मछली है ये सी फिश है यानी समुद्र के अंदर मिलती है, इसलिए इसके अंदर विटामिन डी की कई बार मिलने के चांसेस होते हैं या विटामिन डी मिल जाता है हमें। इसके अंदर विटामिन ए होता है जो हमारे आँखों के लिए और स्किन के लिए फायदेमंद होता है और खास करके इसके अंदर आयोडीन की सही मात्रा होती है। जो भी थायराइड का पेशेंट है या जिनको थायराइड है उन लोगों के लिए ये फिश बहुत बढ़िया फिश है, वो लोग ये फिश को खा सकते हैं और उनकी थायराइड को कम कर सकते हैं या मेंटेन रख सकते हैं। इसके अंदर हमें ढेर सारा ओमेगा फैटी एसिड मिल जाता है जो हमारे हार्ट अटैक से और कैंसर से हमें बचाता है। ओवरऑल ये बहुत फ़ायदेमंद फिश है। हमने इसे बहुत सिंपल तरीके से मैरिनेट किया है, हमने सिर्फ यूज़ किया है नमक, हल्दी और चटनी और अदरक लहसुन की पेस्ट। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है और लास्ट में हमने थोड़ा सा डाल दिया था लेमन जूस और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए फिर से साइड में रख देंगे ताकि इसके अंदर पूरी तरह से टेस्ट उतर जाए। फिर इसके बाद हम करेंगे इसको फ्राई, हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है। इनवेल हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पैन या तावा पे हम क्या करें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और गरम होने देंगे, धीमे आंच पे गरम होने देंगे। ये सारा फिश हमको धीमे आंच पे पकाना है, ये पापलेट आपको धीमे आंच पे पकाना है, डीप फ्राई नहीं करना है। हम इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीका रखेंगे ताकि इसकी सही टेस्ट मिले और सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, डीप फ्राई करने से क्या होता है कई बार इसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमें हमारे बॉडी के लिए कुछ यूजफुल नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बनाएंगे और ये सिंपलिसिटी हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कोटिंग के लिए हम क्या करेंगे, रवा यूज करेंगे। आप रवा में इसको जस्ट डीप करना है, आपको कोटिंग करना है और हमने जो तवा रखा है और थोड़ा सा ऑयल डाला है उसके ऊपर आपको इसको रख देना है। बहुत धीमी आंच पे पकाएंगे और बीच बीच में आपको इसको उल्टा पुल्टा करना है, आपको थोड़ा सा उल्टा कर लेना है, चेक करना है कि पक गया नहीं पक गया। जब इसका कलर रेडिश हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा तो समझ लो आपका फिश पक गया। और आप देख सकते हो हमने बहुत ही कम ऑयल में इसको पकाया है और ये रेडी हो गया हमारा रवा पापलेट फ्राई या पापलेट फिश फ्राई। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो और इस पापलेट के बेनिफिट्स आपको अच्छे लगे होंगे, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।